उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक लड़की ने नाबालिग लड़के पर रेप का झूठा केस दर्ज कराया। इसके बाद जांच में पुलिस के सामने हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल रेप का ये मामला पूरी तरह पलट गया और पता चला रेप नाबालिग लड़के ने नहीं बल्कि उसके साथ लड़की ने किया है। जांच में लड़की द्वारा लगाए गए आरोप सही साबित नहीं हुए। इसके बाद पूछताछ में पता चला लड़की ही नाबालिग लड़के को ब्लैकमेल कर रही थी। बाद में उल्टा लड़के को ही कथित तौर पर फंसाने के लिए उस पर लड़की ने रेप का आरोप लगा दिया। जांच के बाद उत्तराखंड पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि युवती ने झूठे आरोप लगाकर लड़के का यौन उत्पीड़न किया है। पुलिस का दावा है कि ये पहला मामला है जब पुलिस ने पास्को अधिनियम में ही युवती को गिरफ्तार किया है। युवती को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 29 दिसंबर 2020 को शहर कोतवाली में एक युवती ने शिकायती पत्र देकर लड़के पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। युवती ने खुद को 5 महीने की गर्भवती भी बताया था। पुलिस ने युवती पर दुष्कर्म और धमकी देने का आरोप दर्ज किया था। शुरुआत में ही पुलिस की जांच में आरोपों में घिरे लड़के की उम्र 18 साल से कम लग रही थी, जबकि युवती ने लड़के की उम्र 22 साल होने का दावा किया था। जांच में पता चला कि लड़का नाबालिग है और उसकी उम्र 15 साल है और ये लड़की ही उस लड़के को परेशान कर रही थी। न केवल परेशान कर रही थी बल्कि लड़की ने ही उस लड़के का यौन शोषण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।